बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर इफ्तिसाम और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, विज एंड द माउस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम माउस के बारे में पढ़ेंगे कि माउस हमारी किस तरह से हेल्प करता है अगर जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउस हेल्प्स अस टू टेल द कंप्यूटर। माउस हमारी हेल्प करता है कंप्यूटर को ये बताने में व्हाट टू डू, के हमें कंप्यूटर पे क्या काम करना है। इट पॉइंट्स एट थिंग्स, ये मुख्तलिफ चीज़ों पे पॉइंट करता है जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं। एंड शोज अस, और हमें दिखाता है वेयर वी आर ऑन द स्क्रीन, कि हम स्क्रीन पर कहाँ पर हैं। ऑन द मोनीटर, मोनीटर कंप्यूटर स्क्रीन को कहते हैं। वी सी अ स्मॉल एरो, हम एक स्मॉल एरो देखते हैं, और अ स्मॉल लाइन, या एक स्मॉल लाइन देखते हैं डेट फ्लैशेज, जो फ्लैश कर रही होती है कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेन वी मूव द माउस, जब हम माउस को मूव करते हैं, द एरो आल्सो मूव्स, एरो भी इसी तरह साथ साथ मूव करने लगता है। दिस एरो इज कॉल्ड अ पॉइंटर, इस एरो को क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है। यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है और इस पे ये एक छोटा सा एरो दिखाया गया है, इसको पॉइंटर कहा जाता है। और जब हम मूव करते हैं माउस को तो ये एरो भी मूव करने लगता है। द फ्लैशिंग लाइन डैट वी सी इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ कर्सर, और जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जैसा कि खोलें तो उसके ऊपर हमें एक स्मॉल लाइन नज़र आ रही होती है फ्लैश करती हुई, इसको क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। यहाँ आप के नीचे पिक्चर भी दी गई है, इसमें भी आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। द माउस हैज़ टू और थ्री बटन्स ऑन इट, माउस के ऊपर दो या तीन बटन्स होते हैं। वी क्लिक द बटन्स, जब हम बटन्स पे क्लिक करते हैं ऑन द माउस, माउस के बटन्स पे, टू टेल द कंप्यूटर टू डू समथिंग, तो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम कंप्यूटर पे क्या काम करना चाहते हैं जब हम माउस के ऊपर जो बटन है उनके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देयर इज आल्सो अ व्हील इन द मिडल, और माउस के ऊपर एक सेंटर में एक व्हील भी बना हुआ होता है। इट हेल्प्स अस, ये हमें हेल्प करता है मूव अप एंड डाउन अ पेज, पेज जो हमने ओपन पेज किया हुआ होता है उसको अप एंड डाउन करने में, मूव करने में हमारी ये हेल्प करता है, ये व्हील जो होता है माउस के ऊपर बना होता है। द माउस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन अ माउस पैड, हमें माउस को बच्चों हमेशा माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए। जो आपको पिक्चर में पिंक कलर का नज़र आ रहा है ये माउस पैड है, और हमें माउस को हमेशा माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए ताकि हमारा माउस जो है वो अच्छे से वर्क कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि विज कमांड्स क्या दे रहा है। ऑलवेज कीप योर माउस पैड क्लीन, कि आप हमेशा अपने माउस पैड को क्लीन रखें यानी साफ रखें। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाएंगे। राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक, आपने यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपने इनमें से जो करेक्ट वर्ड होगा उसको ब्लैंक के अंदर राइट करना है। तो सबसे पहले है द स्मॉल एरो, एक छोटा सा एरो डैट मूव्स व्हेन वी मूव द माउस, मूव करता है जब हम माउस को मूव करते हैं, इस कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, कर्सर या पॉइंटर। तो बच्चों आपने पीछे पढ़ा है उसको क्या कहा जाता है, पॉइंटर। तो यहाँ पे हम पॉइंटर राइट कर लेंगे या फिर पॉइंटर को टिक भी साथ कर लेंगे। नंबर टू पे है अ माउस इज यूज टू डैश एट थिंग्स ऑन द स्क्रीन, कि माउस जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, चीज़ों को स्क्रीन पे क्या करने के लिए माउस को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैश या पॉइंट, तो करेक्ट ऑप्शन है फ्लैश, सॉरी पॉइंट, और पॉइंट को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे कि माउस जो है वो चीज़ों को पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। नंबर थर्ड पे है अ माउस हैज़ थ्री डैश, कि माउस के ऊपर थ्री क्या होते हैं, लाइंस या बटन्स, तो हमने पीछे पढ़ा है माउस के ऊपर थ्री बटन्स होते हैं, तो यहाँ पे हम बटन राइट भी कर लेंगे। नेक्स्ट है नंबर फोर पे, द माउस डैश हेल्प अस मूव अप एंड डाउन अ पेज, माउस के ऊपर कौन सी चीज़ है जो हमें हेल्प करती है पेज को अप एंड डाउन मूव करने में, तो यहाँ पे टू ऑप्शंस हैं, बटन या व्हील। तो हमने रीडिंग में पढ़ा था कि पेज को अप और डाउन मूव करने में हाँ व्हील हमारी हेल्प करता है, तो यहाँ पे हम
व्हील को टिक करेंगे और ब्लैंक में व्हील राइट भी कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड विज। वर्ड विज में वर्ड विज क्या क्या कह रहा है, मैच द वर्ड्स डैट आर सिमिलर इन मीनिंग। वो वर्ड्स जो मीनिंग में सेम हैं आपने उनको मैच करना है। सबसे पहले है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है पॉइंट, आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है शिफ्ट। शिफ्ट का सिमिलर मीनिंग है मूव, तो आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का मीनिंग है फ्लैशिंग, तो इसको आप इसके साथ मैच करेंगे। लास्ट पे है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब है शो करना, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे एक्सप्लोर विद वेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ येस और नो। आपने बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं येस और नो के साथ। तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। डज द माउस हेल्प टू शो अस वेयर वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कि क्या हमारी जो है माउस है वो हेल्प करता है ये शो करने में कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कहाँ पे हैं। तो हमने पीछे भी रीडिंग में पढ़ा था कि माउस हमारी हेल्प करता है ये शो करने में कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पे कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यस राइट करेंगे, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड है इज द स्मॉल फ्लैशिंग लाइन वी सी इन अ डॉक्यूमेंट, क्या एक छोटी सी जो फ्लैशिंग लाइन है जो हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हैं कॉल्ड अ पॉइंटर, उसको क्या कहा जाता है, पॉइंटर कहा जाता है। तो नो हम उसको नो राइट कर लेंगे क्योंकि उसको पॉइंटर नहीं, उसको हमने पढ़ा था कर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट है डज द माउस पैड हेल्प अस मूव अप एंड डाउन अ पेज, कि क्या माउस जो है वो हमारी हेल्प करता है पेज को अप एंड डाउन करने में। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, यहाँ पे आएगा नो क्योंकि हमारी माउस पैड हेल्प नहीं करता, हमारी व्हील हेल्प करता है पेज को अप एंड डाउन करने में। नेक्स्ट है इज द व्हील इन द मिडल ऑफ अ माउस कॉल्ड अ कर्सर, क्या जो व्हील है माउस के मिडल में जो होता है उसको कर्सर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या राइट किया है, नो आप यहाँ पे नो राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विज कमांड्स क्या दे रहा है, विज कमांड दे रहा है कि शेयर योर कंप्यूटर, कि अपने कंप्यूटर को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आप मिलजुल के काम करें और आपको मुख्तलिफ चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ सकें। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व द क्लूज। नंबर वन पे है द माउस हैज़ टू और थ्री डैश, माउस के ऊपर क्या होते हैं टू और थ्री बटन्स, तो यहाँ पे हमने बटन्स राइट किया है, आप भी राइट कर लीजिएगा। सेकंड है इट इज़ इन द मिडल ऑफ द माउस, कि माउस के मिडल में क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि माउस के मिडल में व्हील होता है, तो यहाँ पे हमने व्हील राइट किया है, आप भी यहाँ पे ब्लैंक में व्हील राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द डैश शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन अ माउस पैड, हमें किस चीज़ को माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए, तो ये भी हमने रीड आउट किया था पीछे रीडिंग में कि माउस को हमें हमेशा माउस पैड के ऊपर रखना चाहिए। नंबर फोर है इट मूव्स व्हेन वी मूव द माउस डैश, हम जब माउस को मूव करते हैं तो कौन सी चीज़ है जो उसके साथ मूव करती है, पॉइंटर, जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे पॉइंटर नज़र आता है, जो एरो नज़र आता है उसको पॉइंटर कहा जाता है। जब हम माउस को मूव करते हैं तो वो पॉइंटर भी मूव करता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।